इस्लामाबाद मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली की तवील गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों को शदीद गर्मी के दौरान अजियत में मुब्तला कर रखा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के 22 शहरी बलबला उठे। पावर डिवीजन के जराये का कहना है कि इस वक्त बिजली की मजमुई पैदावार 19,000 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 13,000 मेगावाट है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट 2,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट तक जा पहुंची है। इस तरह मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक पहुँच गया। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, बनारस कॉलोनी, फ्रंटियर कॉलोनी, चावला मार्केट, नाजाबाद, पापोश नगर, ओल्ड सिटी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग वक्फे वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे वक्फे से गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पावर के मुख्तलिफ इलाकों 6 से 8 घंटे और नवाही इलाकों में 12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग हो रही है। पिशावर, वर्स्ट रोड और मौलिका इलाकों में हर घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। गुलबहार यूनिवर्सिटी टाउन, सदर बाजार, हयातबाद में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि रंग रोड, कोहार्ट रोड और सिटी टाउन में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुँच चुका है। दूसरी जानब बलोचिस्तान में गैर ऐलानिया तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी इंतहाई परेशान हैं, जबकि तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की भी कमी का सामना है। मुल्क भर में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए।